नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार चुनाव में सियासी लड़ाई आरजेडी के 15 साल बनाम जेडीयू के 15 साल हो गई है। नीतीश कुमार जहां लालू शासन के 15 साल की याद दिला रहे हैं, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। आज तक से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग डबल इंजन सरकार से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है, वो बिहार में एक कारखाना तक नहीं लगवा सके। नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने नौकरी देने का झूठा वादा नहीं किया है। बिहार में 4.5 लाख पद खाली हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी के कार्यकाल को जंगलराज बताए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी और पलायन से बड़ा कोई आतंक नहीं है। जंगलराज उस समय एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 2018 में डिप्टी सीएम थे, उस समय बिहार में क्या माहौल था, उस समय का एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उनके बाद का आंकड़ा देख लीजिए, पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकाल में क्राइम रेट बढ़ा है। बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। बाढ़ के मुद्दे को लेकर भी तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि बाढ़ के समय नीतीश कुमार और केंद्र की टीम कहाँ थी, अब चुनाव आया है तो पूरा हमला मेरे पीछे लगा दिया है। हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार से नाराज और निराश हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में पहली बार लोगों को लग रहा है कि मुद्दे पर बात हो रही है, जिससे लोगों में एक उम्मीद जगी है। इस बार चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।